आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कपास के आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क की छूट देने के सरकार के निर्णय से कीमतों पर कोई बड़ा या दीर्घ अवधि का असर नहीं होगा, क्योंकि शुल्क माफी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अधिक मजबूती आई है। साथ ही वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक संबंधी परेशानियों से कीमतों को समर्थन मिलेगा। व्यापार और उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आयात में सुगमता के कारण कपास की कीमतों में महज 5,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति कैंडी की कमी आएगी। भारत घरेलू सीजन में कपास के 20 लाख से 25 लाख गांठों का आयात कर सकता है। कपास के सीजन की शुरुआत अक्टूबर में होती है। एक गांठ 170 किलोग्राम के बराबर होती है। व्यापार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 31 मार्च 2022 तक पहले ही करीब 4 से 6 लाख गांठों का आयात किया जा चुका है। शेष में से करीब 8 लाख गांठों के लिए ठेका शुल्क में कटौती से पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए बाकी गांठों का आयात शून्य शुल्क पर होने की उम्मीद है। हालांकि आयातित कपास की जमीनी कीमत पर किस हद तक असर पड़ता है यहां नजर रखनी होगी, क्योंकि आयात शुल्क को माफ करने की घोषणा के तुरंत बाद ICE नियर मंथ फ्यूचर्स में वैश्विक कपास कीमतें 5% चढ़कर 145 सेंट प्रति पाउंड हो गई, जिससे आयातकों के लिए कीमतों पर पड़ने वाला असर समाप्त हो गया। कपास पर फिलहाल 5% की मूल शुल्क और 5% का कृषि अवसंरचना के विकास उपकर लगता है। कपास का आयात मोटे तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका से होने की उम्मीद है। इनमें से अमेरिका से आयात लॉजिस्टिक संबंधी दिक्कतों के कारण थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं व्यापार से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि कपास की कीमतों को शुल्क छूट के बावजूद समर्थन मिलता रहेगा, क्योंकि फिलहाल लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। निर्यात के लिए बेंचमार्क और किस्मों के लिए व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाले शंकर 6 कपास की कीमतें शुल्क कटौती से पहले बढ़कर 1 लाख रुपये प्रति कैंडी के करीब पहुंचने लगी थी। उद्योग का मानना है कि कीमतें कम नहीं होंगी, लेकिन इससे उत्पाद की उपलब्धता में सुगमता आएगी। वहीं त्रिपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि कपास की जमाखोरी से एक कृत्रिम मांग पैदा की गई थी। इसके कारण से कपास की कीमतें 45,000 रुपये प्रति कैंडी से उछलकर 90,000 रुपये प्रति कैंडी पर पहुंच गई थी। कपास से जुड़े व्यापारी कीमतें बढ़ा रहे थे, जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। शुल्क छूट के निर्णय से यह स्थिति सामान्य होगी। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि शंकर 6 कपास की प्रमुख किस्मों की कीमत प्रति कैंडी 91,000 रुपये से 95,000 रुपये के बीच हो गई थी, जबकि सामान्यतः इस्तेमाल होने वाले ICE कपास की आयातित कीमत प्रति कैंडी 87,000 रुपये से 88,000 रुपये के बीच थी, जिसमें लागत, बीमा और भाड़ा भी शामिल था। यह एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि यह निर्णय 2 महीने की देरी से हुआ है और मूल्यवर्धित उद्योग को काफ़ी नुकसान हो चुका है। इससे कीमतें कम नहीं होंगी, बल्कि इससे उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। कपास आयात पर सीमा शुल्क की छूट देने के सरकार के फैसले से कपड़ों के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ फियो के अध्यक्ष ने गुरुवार को यह कहा। फियो के अध्यक्ष ने कहा कि इस कदम से धागा और कपड़े की कीमतों में नरमी आएगी और परिधान तथा कपड़े के अन्य उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। वहीं वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कपास आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क की छूट देने की घोषणा की। इससे कपड़ा उद्योग के साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। फिलहाल कपास आयात पर 5% का मूल सीमा शुल्क और 5% का कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगता है। उद्योग घरेलू कीमतों में कमी लाने के लिए शुल्क से छूट की मांग कर रहा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने कपास आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया है। इससे सूती वस्त्र निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कपास के ऊंचे दाम प्रतिस्पर्धा में बाधक बन रहे थे। अमेरिका और कई अन्य देशों में परिधान निर्यात में भारत ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है
और संयुक्त अरब अमीरात तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने से इसे और बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।